असुरन से मेडिकल कॉलेज रोड स्थित विभिन्न मोहल्लों से जल जमाव के मद्देनजर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन आयुक्त सभागार में किया गया। बैठक में नगर निगम के चीफ इंजीनियर सुरेश चंद्रा, पार्षद ब्रजेश सिंह छोटू, आलोक सिंह विशेन सहित लोक निर्माण, जल निगम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में मंडलायुक्त ने असुरन से मेडिकल कॉलेज मार्ग के विभिन्न मोहल्लों में जल जमाव की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि 2 दिनों के अंदर सभी मोहल्लों से पानी निकालने की व्यवस्था की जाए और कहीं भी जल जमाव की स्थिति न आने पाए। यदि कहीं भी जल जमाव हुआ तो संबंधित अधिकारी कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने निर्देश दिया कि कहीं भी जल जमाव न होने पाए इसके लिए विगत वर्षों में हुए अधिकतम वर्षा को मानक बनाते हुए नालियों को बनाया जाए। वहीं पार्षद ब्रजेश सिंह छोटू, राजेश तिवारी एवं आलोक सिंह विशेन के द्वारा अपने अपने वार्डो में जल जमाव की स्थिति के बारे में अपनी बातों को मंडलायुक्त के समक्ष रखा। मंडलायुक्त ने मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियंता नगर निगम और जल निगम एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि तत्काल सभी अधिकारी मौके पर जाकर पार्षदों के साथ स्थलीय निरीक्षण कर जल जमाव की समस्या के निस्तारण के लिए कार्रवाई करें और यदि किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता हो तो उन्हें अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन उनके द्वारा जल जमाव की समस्या के निराकरण की समीक्षा भी की जाएगी। जिस तेजी से आप लोगों को काम करना चाहिए उस तेजी से नहीं हो पा रही। देखो, पानी नहीं निकालती होता तो जनता क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे आप बताओ मुझे। या तो हम पूरा मोबाइल आपको डाइवर्ट कर दो, हम लोग त्राही त्राही हो सकते हैं। मैंने टीम बना करके भेजा हूँ, मैंने कहा आपको कोई भी मदद का जरूरत पड़ेगा तो हम देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जनता क्या करेंगे फिर, हमने ये एक्सपेक्ट किया अदरवाइज रात 12 बजे से 1 बजे 2 बजे रात में घूमने के लिए हम लोगों की कौन सी चीज है। नहीं, इतना करने के बावजूद भी मैंने आपको वही पॉइंट पर रोका था जहाँ पे वाटर निगम का है। जब तक आप साइंटिफिकली काम नहीं करोगे तो काम वो नहीं होगा। क्या दूसरे लोगों से लैटिन बाथरूम बनाए